हेलो एवरीवन, मैं हूँ नताशा जिंदल श्री आस्तो वास्तु से। मैं एक यूट्यूबर हूँ, हीलर एंड अ ब्लॉगर। तो क्या आपको भी लगता है कि कोई शुभ काम करने से पहले या कोई एग्ज़ाम देने से पहले या कहीं जाने से पहले हमें दही चीनी खाना चाहिए? क्या एक मिथ है या फैक्ट है? जब हम लोग कहीं हड़बड़ी में कहीं जाते हैं तो अक्सर हमारे घर के जो बड़े होते हैं हमें कहते हैं कि हमें दही चीनी खाकर जाना चाहिए, जिससे हमारे काम बहुत अच्छे से होगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस 21st सेंचुरी में ये एक मिथ है। दही का हमारे गुड लक के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। जिसके पीछे जो लॉजिकल रीज़न है वो आज मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो पहला रीज़न ये है कि प्राचीन काल में जो गांव होते थे वो दूर दूर होते थे, तो अक्सर लोगों के पास अच्छे साधन नहीं होते थे। लोग बुल्लक काट में, बैलगाड़ी में, ये सब से अपना रास्ता तय करते थे। तो अक्सर लोग जो हमारे घर के बड़े होते थे वो लोग दही चीनी खाकर जाने के लिए हमें कहते थे, क्योंकि दही हमारे जो एनर्जी लेवल है उसको हाई रखता था, हम थकते नहीं थे। तो अगर हमारा पैदल चलना है या जैसे भी हमें जिस भी साधन से जाना है, हमारे जो बॉडी का शुगर लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो बहुत ही हाई रहता था। तो इसलिए अक्सर ट्रैवलिंग के समय हमें कहा जाता था कि दही चीनी खाकर जाना चाहिए। दूसरा रीज़न ये है, अब अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको एक बाउल दे देंगे कि दही चीनी खाओ, पर अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप उसमें फर्स्ट भी नहीं आएंगे और आप फेल ही होंगे। तो कड़ी मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं होता। अगर आप जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारे जो घर के बड़े हैं हमें दही चीनी खाने इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दही होता है हमारे स्टमक को, हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स रखता है, तो हम लोग हमारे एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। इसलिए अक्सर एग्ज़ाम के पहले हमें दही चीनी खाकर जाने के लिए कहा जाता है। पर आज के दिन में ये एक सुपरस्टिशन है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे और अगर सिर्फ आप दही चीनी खाकर जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आप फेल ही होंगे। और अक्सर हमारे यहाँ जो देश है उसमें जो सुपरस्टिशन होता है वो फूड से रिलेटेड होता है। तो मतलब मोस्टली लोग कहते हैं कि अगर नहीं खाएंगे तो इवल हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। पर हमें बहुत लॉजिकली सोचना चाहिए कि अगर हमारे लिए वो फ़ायदा है तब हमें उसे खाना चाहिए, जो हमारे बॉडी को, मतलब आप कह सकते हैं जो हमारे बॉडी को उससे फ़ायदा होना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए।